विकास, आपको इस सक्सेस स्पीक्स प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने सेकेंड अटेम्प्ट में ही अपने दो आरएस 2018 के एग्जाम में आपने 9th रैंक प्राप्त किया है और आप आरएस ऑफिसर आप बनने जा रहे हैं। तो ये पूरा सक्सेस की जर्नी के बारे में कहते हैं कि आमतौर पे कि आपको एक रिलीफ महसूस कर रहे होंगे कि अब चलो मेरा हो गया, ऐसा महसूस कर रहे हैं आप भी? बहुत लोग तो यही कहते हैं। ऐसा क्यों, ऐसे कैसे आती है भावना कि भाई बड़ा रिलीव महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लगता है पेनफुल प्रोसेस है पूरे तैयारी का जो दौरान है? मुझे लगता है कि सर जो आरएएस का एग्जाम है वो दो तरह की परीक्षाओं का समावेश है, पहला ज्ञान की परीक्षा और दूसरा धैर्य की परीक्षा। ज्ञान की परीक्षा की तैयारी तो हम अपने गाइडेंस के थ्रू, मेंटरशिप के थ्रू, कई तरीके हैं, किताबी ज्ञान, नॉलेज, उनसे हम अपनी पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन धैर्य की परीक्षा में हमारे परिवारजन, हमारे मित्रगण, हमारे साथी, ये सब सहयोगी होते हैं जो हमें सफलता की ओर लेके जाते हैं। तो मैं आरएएस परीक्षा को एक मात्र परीक्षा नहीं कहकर इसे एक धैर्य की परीक्षा कहना ज्यादा उचित समझूंगा। अच्छा, मेरे एक पेशेंस, परसिवियरेंस बहुत मैटर करता है। बिल्कुल सर। आपने आपने इसके पहले भी एक अटेम्प्ट लिया और आपका 2016 के एग्जामिनेशन में प्री भी नहीं हुआ, राइट? जॉब में भी आप हैं, जॉब पे रहते हुए आपने तैयारी शुरू करी, तो 2018 के एग्जाम में आप 9th लेके बैठे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा एक पेशेंस और धैर्य की जरूरत तो होती है, उसके बिना तो हो नहीं सकता, ठीक है? जी सर। आपने आपको इसमें मोटिवेटेड कैसे रखा आपने इस प्रोसेस में? सर देखिए, आरएएस एग्जाम ऐसा एग्जाम है जहाँ सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी सफलता के लिए, आपकी तैयारी में। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना, ये आपके स्वयं के साथ साथ आपके जो साथ में आपके लोग तैयारी कर रहे हैं या आपके कलीग्स हैं, आपके बैचमेट्स हैं, आपके कॉलेजमेट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, ये सब आप में एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा कर देते हैं जो एक जुनून बन जाता है, आपका एक लक्ष्य बन जाता है कि मुझे आरएएस एग्जाम निकालना है। फिर चाहे एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड होए या एग्जाम कैंसल्ड होए, वो चीज़ मैटर नहीं करती, आपका एक टारगेट बना हुआ है तो आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं और तब तक नहीं रुकते तब तक आपको उसकी सफलता नहीं मिलती है। लेकिन विकास, इसमें ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग आपको डिस्करेज भी करते होंगे, कहते क्या क्यों लगे हुए, नहीं होता आसानी से, ऐसा भी कोई सिचुएशन आया आपके साथ? नहीं सर, एक्चुअली आप, मेरा तो कहना यह कि आप उन्हीं लोगों के संपर्क में रहें जो आपको मोटिवेट करें। डीमोटिवेट करने वालों की बात को एक कान से निकाल सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो लोग वो हैं जो आपका भला नहीं चाहते होंगे। तो ऐसे लोग काफी कम हैं, फिर भी जो लोग डीमोटिवेट कर रहे हैं तो उससे भी हमें मोटिवेशन लेना है कि ये मुझे आज किसी चीज पर कमेंट कर रहा है तो मुझे ऐसा कुछ करना है कि भविष्य कमेंट कर मुझ पर कोई कमेंट ना करे। तो देट इज एक तरह से वो भी एक आपकी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। फैमिली में बहुत सारे, जैसा कि मैं जानता हूँ, आपको टोंक के रहने वाले हैं, आप सर्विस में भी हैं, किस सर्विस में है अभी? जी मैं इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में हूँ, इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। अच्छा, कितने साल से काम कर रहे हैं उसमें? जी मुझे 3 साल हो चुके हैं। तो इंटरेस्टिंग बात है, 3 साल से जॉब में भी है, आपकी मैरिज भी हो चुकी है, आपकी बेबी भी है ना साथ में? जी सर। ऐसी स्थिति में एक सब फैमिली को भी बैलेंस करते हुए काम करना, और खासकर जॉब के साथ, नॉर्मली आसान नहीं होता, लोग सोचते हैं जॉब के साथ भी तैयारी कर सकता है। तो आपके जैसे लोग जो मैरिड भी हैं, जो क्या कहते हैं कि जॉब में भी हैं, ऐसे के लिए अपनी एक्सपीरियंस से थोड़ा बताइए कि जो लोग कई बार एक्सक्यूजेज लेते हैं कि भाई हम तो जॉब में, कैसे तैयारी करें, फैमिली हो गई कैसे करें, तो इसके लिए आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? जी सर, जॉब एक हमें जीवन का हिस्सा है, हम आरएएस परीक्षा एक लंबी प्रोसेस है, तो हम जो भी हमें सर्विस मिलती है हम उसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो अपने जो कार्य, जो हमारा ड्यूटी वर्क है, वो अपनी जगह है। आप ऑफिस आवर्स के अंदर अपना ड्यूटी कीजिए, इसके अलावा ऑफिस आवर्स जैसे 9:30 से 6 का है स्टेट के अंदर, तो आप 9:30 से सुबह का समय यहाँ पे काफ़ी मिलता है और शाम का समय 6 बजे बाद आपको काफ़ी मिलता है। तो यहाँ पर जॉब के साथ में तैयारी करने के लिए सबसे जो बड़ा मूल मंत्र है वो टाइम मैनेजमेंट का है। आप टाइम को इस तरह मैनेज कीजिए कि आप अपने लिए समय निकालें, हार्ड वर्क करते रहिए, लेकिन हार्ड वर्क के अंदर आप स्मार्ट वर्क का पुट अगर डालेंगे तो आप कम समय में बेहतर तैयारी कर पाएंगे। जैसे कि मैं मेरा उदाहरण लूँ तो मैंने जॉब के साथ रहते हुए जो हमारे बुक्स हैं या कोई नोट्स अवेलेबल हैं तो काफ़ी कम समय मिलता था इस चीज़ को पढ़ने के लिए, तो हम जितना समय मिलता था उसमें मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए। शॉर्ट नोट्स तैयार इस तरह से किए जी, जैसे कोई सब्जेक्ट है
एथिक्स का लेते हैं, तो एथिक्स हमने जितने पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के हमने एक शॉर्ट टाइप में 5 या 6 पेज में हमने एथिक्स को कवर किया। जितना शॉर्ट आप लिखेंगे उसके कई फायदे हैं। पहला, आपको रिवाइज करने के लिए कम समय लगता है, एक कंपेरेटिव स्टडी हो पाती है, जो चीज जो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कन्फ्यूजन वाली, कई बार ऑब्जेक्टिव्स में या मेंस लिखते समय कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी थ्योरी किससे रिलेटेड है या कौन सी जो चीज है वो किससे संबंधित है, तो एक कागज पे जब हमारे सामने एक सब चीज की कंपेरेटिव स्टडी उपलब्ध होती है तो हमारा कन्फ्यूजन काफी कम हो जाता है। दूसरा, अब एग्जाम के समय जो आरएस के सेम डे में दो पेपर होते हैं तो समय काफी कम मिलता है कि आप किसी चीज को पूरा के पूरे नोट्स या किसी बुक को आप रिवाइज करके जाएं, तो ये हेल्पफुल होता है कि आप किसी शॉर्ट नोट को आप तैयार किए हो स्वयं के द्वारा, क्योंकि शॉर्ट नोट अगर खुद तैयार कर रहे हो तो खुद को समझने में बहुत आसानी होती है। तो आप आधे घंटे या एक घंटे के अंदर किसी बड़े सब्जेक्ट को भी जहां 3 या 4 घंटे लगते हैं उसको आप 15 से 20 मिनट के अंदर रिवाइज करके जा सकते हो, और ये काफी हेल्पफुल होता है जब आप मेंस लिखते हैं। मेंस के अंदर आपको जो क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में सारे आंसर्स होते हैं, आपको बस वहां पर अपना इनपुट देना होता है। जी सर, देखो ये आपने बड़े एक इंटरेस्टिंग बात करी टाइम मैनेजमेंट की, जो कि जॉब के साथ है, तो पहले आपसे मैं यही पूछना चाहूंगा कि एक एवरेज जो है स्टडी आवर यदि आपसे पूछें जॉब के साथ, तो आपका कितने घंटे की स्टडी आपकी हो जाती थी? जी सर, जॉब के साथ तो सुबह में करीब 2 से 2.5 घंटे निकाल लेता था और शाम को 3 या 3.5 घंटे, तो रोज के 5 to 6 hours आप रेगुलर अगर स्टडी रखते हैं अपनी तो देर आर सफिशियंट। ओके, वेरी गुड। तो ये आप जो लोग आपको वॉच कर रहे हैं जो फ्यूचर कैंडिडेट्स में, आपके भी यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 6 hours, 5 hours ऑफ कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड स्टडी लगातार आप करें तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, चाहे IAS हो या PCS हो, क्वालिफाई करना आपके लिए संभव। आप उसके साथ एकदम सामने साक्षात एग्जाम्पल है कि आप 9th रैंक लेके बैठे हुए। दूसरी चीज, आपने भी नोट्स की बात की, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताया कि बट हाउ टू मेक नोट्स, नोट्स मेकिंग इज एन आर्ट, तो वो आप अपने अनुभव से थोड़ा और उनको एक ब्रीफ में बताइए कि नोट मेकिंग में कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो कैसे बनाना चाहिए। एक मैं थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में एक चीज और डालना चाहूंगा, जॉब के साथ जैसे आपको सैटरडे संडे या ऑफ मिलता है वहां आप अपनी स्टडी 5 to 6 hours से बढ़ा के आप 10 to 12 hours कर सकते हैं, तो आप अपने जो रिविजन या जो आपने मैटर तैयार करने का काफी समय मिल जाता है। आप स्टडीज के आवर्स 2 दिन बढ़ा देते हैं तो आपको काफी हेल्पफुल होता है वो, बाकी दिनों में अगर स्टडी नहीं भी हो पा रही है, किसी दिन ऑफिस आवर्स ज्यादा होते हैं या ड्यूटी कोई हार्ड ड्यूटी हो जाती है तो उसको आप कवर अप कर सकते हो। दूसरी सर, नोट्स में मैं ये बताना चाहूंगा कि हर सब्जेक्ट के आप नोट्स बना सकते हो, यहाँ तक कि मैं हिंदी के भी नोट्स बनाया करता था। जैसे हिंदी की बात करें, लोग पूछते हैं कि कई बार कि हिंदी के क्या नोट्स बनाए हम, तो जैसे हिंदी में हम ग्रामर की बात करते हैं तो शब्द युग्म है, पर्यायवाची है, आप बुक से उन्हें एक बार पढ़ते रहिए, आपके लास्ट में अगर आप 300 शब्द युग्म या 300 पर्यायवाची याद कर रहे हैं तो आपके पास केवल 30 ऐसे होंगे वर्ड्स जिनको आपको मतलब आपको मुश्किल होती होगी याद करने में या याद नहीं हो पा रहे हैं, तो उन 30 को आप एक पेज पे लिख लीजिए तो आपके उस टॉपिक का एक पेज हो जाएगा। लास्ट टाइम जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके 1 घंटे पहले यदि आप उनको एक बार रिवाइज करके जाते हैं तो ये मान के चलिए कि 90% आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाते हैं जब आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है। तो लेटर्स हम कई बार देखते हैं कि 7-8 तरह के लेटर्स एग्जाम में होते हैं, तो एक कंपेरेटिव स्टडी के टाइप में एक पेज पे आपने सारे लेटर्स का फॉर्मेट आपने बना लिया, आपके दिमाग में एक कंपेरेटिव रहेगा कि किस तरह का लेटर आएगा तो मुझे कौन सा फॉर्मेट रखना है। मेनली जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जनरल नॉलेज के, तो वहां पर जीएस के पेपर्स के अंदर आप सब्जेक्ट के जो सिलेबस वाइज टॉपिक्स हैं उनका हर एक टॉपिक का एक पेज तैयार कर लीजिए, चाहे आप एक नोटबुक बना लीजिए, हर नोटबुक के अंदर एक नोटबुक में आप हर पेज पे अपने सिलेबस का एक टॉपिक लिख दीजिए, उस सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग उस सिलेबस में जो वो टॉपिक है उसमें क्या आपके पास मैटर उपलब्ध है और कितना शॉर्ट आप उसको लिख सकते हो ताकि कम से कम स्पेस कवर हो और उसमें आप इतनी अपने को जानकारी हो ही जाती है कि इसके बारे में क्या लिखना है। तो इस तरह से हम नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं जो मेजर पॉइंट्स लिख के की पॉइंट्स लिख के, ताकि वहां पर अपने को जो दिमाग में ऑटोमेटिक ही क्वेश्चन आए तो ऑटो स्ट्राइक हो जाए कि क्या लिखना है। वेरी गुड। बेसिकली ये है कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही कॉन्क्रीट हो जाते हैं, और आपने हाथ से जब अपने हिसाब से बनाते हैं तो यू यूज डिफरेंट ग्राफ्स कोडिंग सब कर करके, तो जब आप अनफोल्ड करते हैं दैट बिकम्स इजी फॉर यू, और आपने उसको कंसाइज करके रख लिया, एनी टाइम यू कैन यूज इट एंड एक्सपैंड इट, दैट इज वेरी वेरी गुड। सेलेक्शन ऑफ बुक्स एंड स्टडी, जो कितने सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या पढ़े क्या छोड़े, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की एक बहुत बड़ी समस्या है, राइट?
तो हाउ टू बी रेलेवेंट इन स्टडी, कि ये इतना ही पढ़ना है और ये रेलेवेंट स्टडी है, इसके बारे में अपना अनुभव शेयर करिए कि आपने कैसे अपने को रेलेवेंट रखा पढ़ने में। जी सर, इसमें सबसे पहले तैयारी करने से पहले आप एक बार सिलेबस उठा के देखें, स्टूडेंट्स सिलेबस उठा के आप देखेंगे तो एक बार सिलेबस इतना आप स्टडी कर लीजिए उसको, हर एक जो मेरे नोट्स होते थे, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, उनके अंदर फर्स्ट पेज पे मेरा सिलेबस चिपका होता है। आप अगर उस पर सिलेबस चिपका लेते हैं तो आपको सिलेबस एक तो याद हो जाता है कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। दूसरा, आरएस एग्जाम ऐसा है कि आप एक सिलेबस में कन्फाइंड नहीं रह सकते, सिलेबस के इर्द गिर्द की चीज़ें भी आपको थोड़ी देखनी होती है, ताकि कई बार उस सिलेबस के टॉपिक से रिलेटेड कोई करंट का कोई इशू चल रहा हो या ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो उससे जुड़ा हुआ हो, ऐसा कोई टॉपिक हो जुड़ा हुआ हो, तो उसे भी हमें तैयार करना होता है। रही बात बुक्स की, तो बुक्स जो भी नामी किताबें मार्केट में उपलब्ध है, आप कोई सी भी किताब खरीदिए, लेकिन उस मेरा जो अनुभव है वो मेरा ये है कि उस बुक्स से आपके जो तैयार नोट्स हैं उनके अंदर आप अपना बुक्स के अंदर जितना मैटर आपको लगता है कि ये नोट्स में नहीं है, वो मैटर आप अपने नोट्स में ही डाल लीजिए। एक बार किताब पढ़िए, फिर किताब को साइड में रख दीजिए, उसके बाद अपने नोट्स को आप लगातार बार बार रिवाइज करते जाइए, ताकि क्योंकि उस किताब का जो मैटर है, जो एक्स्ट्रा मैटर आपके नोट्स हैं, वो आपके नोट्स में आ चुका है। अब आपके नोट्स एक तरह से सिलेक्शन के लिए कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप बार बार नोट्स को रिवाइज कीजिए बुक्स को रिवाइज करने के बजाय। Okay, that is again a very relevant thing which other students should understand. करंट अफेयर्स का कितना रोल है आपके पूरे पढ़ाई में, आरएस में, उसके बारे में थोड़ा समझाइए। सर, करंट अफेयर्स का रोल तो आरएस करंट अफेयर्स के बिना अधूरा है। आप एग्जाम अगर देते हैं तो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, करंट अफेयर्स एक मेजर फैक्टर होता है, ना केवल एक सब्जेक्ट के तौर पर, बाकी पूरे जो सब्जेक्ट हैं, आप चाहे ज्योग्राफी ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, यहाँ तक कि आप हिस्ट्री भी ले लीजिए, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो करंट में कोई इशू चल रहा होता है उससे रिलेटेड, कोई हिस्टोरिकल प्लेस होता है, कोई हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है, उससे रिलेटेड होते हैं। तो करंट हमें डेली, हमें जो हमारा करंट है वो उसको अपडेट करते रहना है। उस करंट अफेयर्स के जो डाटा है या कोई फैक्ट्स है या कोई ऐसी कोई न्यूज है, उसे हम क्वेश्चंस के अंदर किस तरह यूज करते हैं, ये हमें स्किल सीखनी होती है। जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें कोई भी क्वेश्चंस, जैसे कोई विद्रोह की बात करते हैं, हिस्ट्री का कोई संथाल विद्रोह है या कोई कानून विद्रोह है, तो वहाँ पर कोई उसकी किसी की शताब्दी होती है, किसी पे कोई हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं या कोई कहीं पर गया हुआ होता है, और इंटरव्यू वगैरह में तो करंट अफेयर्स मेजर फैक्टर रोल प्ले करता ही है। विकास, इसमें ये जैसे आपने बताया कि करंट्स कैसे आप यूज करते हैं और कैसे आपके नॉट ओनली एज सब्जेक्ट करंट अफेयर्स बल्कि बाकी जो सब्जेक्ट हैं जनरल स्टडीज के, उसमें कैसे काम आते हैं, आपने बहुत शानदार ढंग से बताया। अब सवाल ये उठता है कि कई स्टूडेंट कहता है कि आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, नेशनल डेली पढ़ें, स्टेट का पढ़ें, उसके बारे में और कैसे पढ़ें अखबार, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर इज आल्सो अ वेरी बिग क्वेश्चन इन माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आप उसके बारे में आपका अनुभव अपना क्या रहा है? सर, मेरा अनुभव तो ये है कि न्यूज़पेपर, मैं जयपुर रहता था रेंट से, तो पॉसिबल नहीं था हार्ड कॉपी मिले, लेकिन आजकल डिजिटल जो ई पेपर्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, तो मेरा अधिकतर दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका और कभी कभार कटिंग्स मुझे अवेलेबल हो जाती थी दैनिक नवज्योति या कई आर्टिकल्स का एक सेट कई बार डिजिटल मीडिया पर अवेलेबल हो जाता है। तो मेनली प्रीलिम्स और ये चीज़ें, इनके लिए जो फैक्ट्स हैं वो तो हमें जो मार्केट में मैगजीन्स अवेलेबल है वहाँ मिल जाता है, लेकिन जो थिंकिंग हमारी डेवलप होनी चाहिए किसी इश्यूज़ के प्रति, जैसे जो मेंस में भी काम आती है और इंटरव्यूज में भी काम आती है, वो हमारे जो न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर, मैं ये नहीं कहता आप कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर पढ़िए, किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़िए, उसके आर्टिकल्स पढ़िए, सोशल मीडिया पर भी आपको काफ़ी आर्टिकल्स लोगों के मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स मिल जाएगी, वहाँ से किसी इश्यूज़ के प्रति आपके दिमाग में थिंकिंग उत्पन्न होती है, एक थिंकिंग बनती है। जब कभी कभार आंसर लिखने का मौका आता है तो वहाँ आप अपनी थिंकिंग को वहाँ डालते हैं,
इंटरव्यूज में आपको जब क्वेश्चन फेस करते हैं तो वहां पर अपनी थिंकिंग्स को आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहां पर आपका एक अच्छे से आपका व्यू सामने आता है कि हाँ आपको इसके बारे में नॉलेज है, आप इसके बारे में अवेयर हैं, और आपकी एक अच्छी छवि सामने जाती है, चाहे आंसर्स में हो चाहे आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में हो। दूसरा, जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी आप डेली आप चाहें कटिंग्स वगैरह या आप अपना नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैगजीन्स वगैरह मिल जाती है बाहर, एनुअल मैगजीन्स भी आती है, तो आप वो फैक्ट्स के लिए तो वो डायरेक्ट रीड आउट कर सकते हैं। बाकी आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं और डेली पढ़ने हैं। मेन चीज़ ये है कि आप एक दिन पढ़ लिया, वीक में दो दिन छोड़ दिया, कोई आर्टिकल मिस हो जाता है, और आर्टिकल आप खुद चयन कर सकते हैं आपके सिलेबस से रिलेवेंट है या नहीं, आपके इंटरव्यूज में या उस इशू का कितना महत्व है उस समय के लिए, वो आप स्वयं चयन कर सकते हैं। अभी जो आपने बात की इसमें क्या, देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट ओवरऑल प्रिपरेशन के दौरान में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाउ डू यू सी द स्ट्रेस एंड हाउ डिड यू मैनेज स्ट्रेस? देखिए सर, जीवन में तनाव तो हम हर समय रहता ही है, उसे मैनेज कैसे करना है, तो आप मेरे साथ ऐसी स्थिति काफ़ी कम उत्पन्न हुई, क्योंकि कई बार लोगों के साथ ये स्थिति होती है कि बेरोजगार हैं, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, काफ़ी लंबी प्रोसेस है, तो मैं इन सर्विस था तो मुझे ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं था। फिर भी अगर आप स्ट्रेस में हैं तो स्ट्रेस को छोड़ दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस आप कब तक लेके जिएंगे, ये एक लंबी प्रक्रिया है, धैर्य आपको बनाए रखना है। स्ट्रेस की जब अगर स्ट्रेस है तो आपका वहाँ पर माइनस मार्किंग चालू हो जाती है। अगर आप स्ट्रेस में स्टडी कर रहे हैं, चाहे स्ट्रेस में इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे स्ट्रेस में आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आपका दिमाग पूरा खुलकर सामने नहीं आ पाएगा यदि आप किसी तनाव में हैं। तो इसके मैनेजमेंट के लिए तो हम थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी मिल जाएगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्टोरीज पढ़िए, सक्सेस स्टोरीज पढ़िए, देट आर सिट, वो सभी आप प्रयास कर सकते हैं। कोई अलग से कोई ऐसी कोई चीज़ में मेरे ध्यान में ऐसी कोई मैं बताना नहीं चाहूँगा। बेसिकली है कि कोई भी काम जब हम करेंगे तो स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस को आप कितना पॉजिटिवली और कितना नेगेटिवली यूज कर रहे हैं उसी पर आपके सारे रिजल्ट डिपेंड करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि सुबह उठना भी एक स्ट्रेस होता है, लेकिन आप विथ व्हाट पर्सपेक्टिव यू सी कि मॉर्निंग में उठ करके करना क्या, उससे रिजल्ट क्या रहता है, हाउ डू यू सी दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Kapil Parashar and I am from Bharatpur. I have got rank for 96 in RAS 2018 examination. इसके लिए मैं अपनी इस सक्सेस के लिए मैं गोलचाणक्य की टीम को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उनका गाइडेंस और उनका सपोर्ट मेरे इस लक्ष्य के लिए बहुत सराहनीय रहा। मैं स्पेशली मनीषा मैम को थैंक्सफुल हूँ, क्योंकि उनका जो मार्गदर्शन मुझे मॉक इंटरव्यू में मिला, उन्होंने मुझे मेरी जो बॉडी लैंग्वेज थी एवं मेरे जो कॉस्ट्यूम की जो कमियाँ थी उनको दूर करने में उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। एंड आई एम हार्डली डीपली थैंकफुल टू पवार सर, उनका सहयोग मुझे मॉक इंटरव्यू में इतना मिला कि जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मुझे इंटरव्यू बो में किसी भी प्रकार की नर्वसनेस अथवा डर नहीं लगा। एंड अगेन I am heartily thankful to all Chanakya team. Thank you. अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग प्रीलिम्स के बेसिक टेक्निक के ऊपर में, कि आपके एग्जाम में चूंकि पहली बार प्री आपका नहीं हुआ, आपने शायद उसमें उतनी सीरियसली प्रिपरेशन नहीं किया होगा, बट कुछ ऐसी चीजें जो ये जरूर ध्यान देना चाहिए प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के लिए, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताइए। प्रीलिम्स के लिए सर बेसिकली जो पार्ट होता है मेनली पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड करंट का पार्ट होता है। आप करंट अफेयर्स अच्छे से कीजिए। हिस्ट्री में आप अगर आपके पास समय कम है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोई पार्ट छोड़िए, यदि आपके पास समय कम है प्रीलिम्स के लिए तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस कीजिए। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे इज द मेजर फैक्टर इन प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। इकोनॉमिक सर्वे को आप पढ़िए एक बार। इकोनॉमिक सर्वे हर साल चेंज होता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि हर साल उसके अलग से आपको पढ़ना है, क्योंकि डाटा चेंज होता है, स्कीम्स कोई अपडेट हो जाती है। आप इकोनॉमिक सर्वे के भी नोट्स बना सकते हैं। एक 300 350 पेज का इकोनॉमिक सर्वे की पूरी बुकलेट होती है, उसको बार बार रीड आउट करना पॉसिबल नहीं होता है। आप अपने 15-20 पेज में उसको समेट सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको लगती है, कोई स्कीम्स है, स्कीम का डाटा है, इस तरह की चीज़ें आप कवरअप कर सकते हैं। बजट है राजस्थान का और मैथमेटिक्स है, ये 3-4 चीजें आप इस तरह से तैयार करेंगे जाएंगे तो प्रीलिम्स में ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं क्लियर क्वालिफाई करने में।
जो एग्जामिनेशन के दौरान में आप जब तैयारी करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर आते हैं कि याद कैसे रखें, बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आता है स्टूडेंट को, इतने सारे फैक्टर्स हैं, इतने सारे इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए आपने क्या टेक्निक अडॉप्ट किया कि आप चीजें याद रहे जो रिलेवेंट चीजें? इसमें सर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि 10 चीजों को एक बार पढ़ने के बजाय आप एक चीज को 10 बार पढ़िए तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, चीजें अपने आप याद हो जाएगी। यदि आप एक, आपने जैसे मैंने बताया पहले भी कि आप बुक्स वगैरह, आपके पास 4 बुक है किसी सब्जेक्ट की, 5 बुक है या 2 बुक है या 1 बुक है, कुछ कितनी भी हो, आपने सबका अगर इनपुट आपके नोट्स में ले लिया, खुद के नोट्स, मेरा जो ये है कि मुझे बुक्स में याद नहीं होता है, मैं अपने जो सेल्फ नोट्स बनाता हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, वो मुझे याद रहते हैं, तो वो जो मैंने बना लिए मैं उनको बार बार रीड आउट करते रहिए, बार बार रीड आउट करते रहिए, एक पिक्चोरियल इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगी, वो काफ़ी हेल्पफुल होती है आपके आंसर्स में, जब आप ऑब्जेक्टिव हों चाहे आपके रिटर्न आंसर्स हों, तो एक पिक्चोरियल इमेज बना के आप इसको तैयार कर सकते हैं। दूसरा, आप टेस्ट वगैरह देते हैं, रिटर्न टेस्ट दीजिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट दीजिए, जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे आपको अपने ये पता लगेगा कि मुझे क्या चीज़ याद है क्या चीज़ याद नहीं है। जो चीज़ याद है उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ याद नहीं है उस पर आप मेहनत कीजिए। होता ये है कि अपन चीज़ों को पढ़ने लगते हैं तो बार बार उसको पढ़ते रहते हैं, 10 पेज हैं, 10 पेज फिर पढ़ेंगे, फिर याद नहीं हो रहा, चीज़ें 2 याद नहीं है लेकिन फिर से 10 पेज पढ़ेंगे, तो फाइंड आउट कीजिए क्या याद नहीं है क्या याद है, जो याद है उसे छोड़िए, जो याद नहीं है उस पर फोकस कीजिए, तो और उसके शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप लास्ट में रिवाइज करके जाएंगे, तो 2 चीज अगर आप 2 घंटे एग्जाम से पहले पढ़ के जाएंगे तो कुछ समय के लिए तो बनी रहती ही रहती है। तो बेसिक क्रक्स ये है कि रिवीजन एक बहुत बड़ा, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तो खाली आप पढ़ाई पढ़ा करते चले जाए तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप उसको बोल सकते हैं, तो इसलिए उसका रिवीजन का इसलिए नोट्स बनाए जाते हैं ताकि आप उसका फायदा उठा सकें और कभी भी रिवाइज कर सकें। विकास, एग्जामिनेशन स्किल की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। एग्जामिनेशन हॉल तक तैयारी तो कर लेते हैं बट अब इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग द एग्जामिनेशन स्किल या एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के कुछ चीजें की ध्यान नहीं कर रहे हैं तो मिस कर सकते हैं, वो उसके बारे में कुछ बताइए कि वो क्या क्वेश्चन रखना चाहिए, क्वेश्चन को कितना लें छोड़ दें, नेगेटिव मार्किंग भी है, ये सारी कुछ जरा बताएं कि आपने क्या किया है सर। पहले प्रीलिम्स की बात करें तो आप जितने ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे सकते हैं उतने टेस्ट दीजिए, एग्जाम के 3 दिन पहले भी अगर आप टेस्ट देते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है ताकि फ्लो बना रहे। आपको प्रीलिम्स ये मानना ही नहीं है कि ये आरपीएससी का प्रीलिम्स है, जैसे आप टेस्ट देते रहे वैसे आप आरपीएससी का प्रीलिम्स देते जाइए, और अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी, उसकी फल की चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है, आप केवल मेहनत कीजिए। जैसे टेस्ट आप कहीं टेस्ट सेंटर पे या किसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप दे रहे हैं वैसा टेस्ट आपका आरपीएससी का टेस्ट है, वैसे ही आप उसको दीजिए। मेंस की बात करें, जितनी प्रैक्टिस आप पहले करते रहेंगे, जितने टेस्ट देंगे, जो टाइमिंग होता है वो मेजर फैक्टर होता है, एक कि 9 से 12 और 2 से 5 का जो मेंस का एग्जाम होता है, आप उस टाइम पे घर पे बैठ के अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पिछले 15 दिनों से अगर आप करते हैं एग्जाम से पहले, तो उस टाइम पे हमारी जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं, हमारी जो एक सुषुप्त जो बुद्धि है वो जागृत हो जाती है, और आप उस टाइमिंग पे आपका दिमाग पूरी तरह से काम करने लगता है अगर अपन पहले से उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो पिछले 15 दिन से अगर आप पहले से प्रैक्टिस करते रहेंगे लिखने की, तो टाइम मैनेजमेंट भी बैठ जाएगा, कितने क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन से मुझे कितना टाइम देना है। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें 5 से 7 मिनट दीजिए, छोटे क्वेश्चन है उसके आपको 1 या 2 मिनट देने हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको वहां पर 3 या 4 मिनट देने हैं। इस तरह से आप पूरा मैनेजमेंट, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सेल्फ मैनेजमेंट कर लेंगे। ये हर व्यक्ति का अलग मैनेजमेंट होता है, किसी एक यूनिवर्सल कोई मैनेजमेंट नहीं है। हर किसी को अपनी टेक्निक, अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए सुनने के बाद कि कुछ रेलेवेंट चीजें हैं जो आप अपने साथ अडॉप्ट कर सकते हैं। विकास, ये एक राइटिंग स्किल मेंस में बड़ा मायने रखता है जी सर। तो कहते हैं कि रेलेवेंट आंसर लिखना, रेलेवेंट स्टडी करना, उसको रेलेवेंट आंसर लिखना, तो ये रेलेवेंट राइटिंग मेंस एग्जामिनेशन में, इसके बारे में आप कुछ बताइए। सर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है मेंस के एग्जाम में क्वेश्चंस को समझना। कई बार हम जल्दबाजी में क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उस क्वेश्चंस की पूरी जो वास्तव में क्वेश्चन क्या चाहता है उस चीज़ को नहीं पकड़ते और किसी और पथ पर हम चले जाते हैं। तो क्वेश्चंस के अंदर हम पहले चीज़ों को पढ़ें, क्या क्वेश्चन चाहता है वो, उसकी यदि कोई मूल्यांकन करवा रहा है तो उसकी स्ट्रेटजी आंसर लिखने की अलग होगी, वो केवल उसके फायदे जानना चाहता है तो उसकी स्ट्रेटजी अलग होगी। कई बार वो कंपेरेटिव स्टडी करवाता है या उसका क्रिटिकल एनालिसिस करवाता है, तो हर चीज़ में हमारी जो स्ट्रेटजी आंसर लिखने की वो थोड़ी सी हमें मॉडिफाई करनी पड़ती है। बाकी आप किसी भी आंसर को लिखने पहले उसकी थोड़ी सी 2 लाइन में, 10 नंबर के क्वेश्चन में 10 लाइन होती है हमारे पास, 2 लाइन में हम उसकी थोड़ी सी एक
उसकी भूमिका बना सकते हैं, क्या चीज है उसके बारे में, जो अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम है या कोई इश्यू है उसके बारे में अच्छे से उसकी जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद उसके कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद उसमें अपने सुझाव हमेशा देने चाहिए हमें। यदि हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो हमें दोनों सेक्टर की बात करनी है, दोनों पक्षों की बात करनी है कि क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमें किस तरफ ज्यादा झुकना है, उसके प्रोज की तरफ झुकना है या कॉन्स की तरफ झुकना है, वो हमें डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमारे सुझाव हमें ऐसा जरूर देने हैं और भविष्य में इसमें और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये हमारे लास्ट की 2 या 3 लाइन ऐसी सजेशंस की होनी चाहिए। और आंसर्स में पेशेंट से रिलेवेंट बना रहे इसके लिए हम उसके जो की पॉइंट्स हैं उनको हम यूज करते रहे। ऐसा ना हो रिपीटेशन वाली स्थिति पैदा ना हो, लेकिन ऐसा ना हो कि क्वेश्चन स्टार्ट तो हुआ था कि हमें जो आंसर देना है वो चल रहा है, लेकिन बीच में हम कहीं भटक कर किसी दूसरी चीज पे चले गए। हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिख रहे हैं लेकिन मोहम्मद गोरी की बखान करने लग गए, उसका बखान करने लग गए, उसका जो आंसर है वो इरिलेवेंट हो जाएगा। जी सर, एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन की वर्डिंग क्या है और उसके आसपास ही रहना है, ना कि आप अपनी विचारों से लिखते समय बैक जाए। दिस इज व्हाट यू वांट। बिल्कुल उस पे भी नहीं रहना है आपको। जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल आप ऐसी लाइन देगा कि आपको उसी ऐसा लगेगा कि यार गलत चीज है लेकिन फिर भी मुझे लिखना है इसके बारे में, तो ऐसा नहीं है। वो कई बार आपसे क्रिटिकल एनालिसिस करवाता है उस चीज का, तो आपको उसकी जो बात कही है उसके अलावा वास्तविकता क्या है और उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको लिखनी होती है। हाँ, मतलब बट ऐसी चीज होनी चाहिए जो इरेलेवेंट ना बन जाए, बस खाली ये ध्यान। बिल्कुल इरेलेवेंट ना हो, बिल्कुल। इसमें पूरे सिलेबस के ऊपर में जो जनरल स्टडीज है उसका कितना परसेंट स्पेसिफिक राजस्थान की ओर फोकस है, क्या आपको लगता है? सर, मेरा जहां तक मानना है कि राजस्थान पे काफी फोकस रहता है। कोई भी पोर्शन हो, जैसे इंडियन हिस्ट्री भी होती है तो उसमें थोड़ा सा राजस्थान पे फोकस रहता है। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में, लेकिन उसके कुछ स्थल हमारे राजस्थान में भी पाए जाते हैं, तो हमें वो तो फोकस्ड हम उनको करने ही तैयार हैं, वो तो तैयार करने ही करने हैं हमें। तो हर जो सिलेबस के पॉइंट हैं उनको स्पेशली रिलेवेंट टू राजस्थान सिलेबस में भी लिखा होता है। कई बार नहीं लिखा हो तो भी हमें उसके राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हमें उन्हें तैयार करना ही चाहिए। विकास है सिविल सर्विसेज के जो इंटरव्यू, चाहे वो IAS का RS का हो, हर इंसान का ख्वाब होता है वहां तक पहुंचे, पर एक भय भी होता है सिलेक्शन हो गया तो अब आगे क्या होना है। तो जब आपका मेंस का रिजल्ट आया और इंटरव्यू कॉल आया, उसमें आपकी मनोदशा क्या थी, क्या लगा, कैसे कुछ अलग करना होगा, ये लगे कि नहीं हम तो इंटरव्यू बड़ा अच्छा से ऐसे कर लेंगे, क्या फीलिंग आई? मेंस का जब रिजल्ट आया तो मुझे आशा थी, मेरे पेपर्स अच्छे हुए थे तो कि मेंस तो क्लियर हो ही जाएगा, तो आशानुरूप मेरा रिजल्ट भी आया। हालांकि मार्क्स तो पता नहीं लग पाते हैं, कट ऑफ पता होती है कि 344 कट ऑफ गई है, तो मैंने कहा इससे तो ज्यादा नंबर है लेकिन कितने हैं ये नहीं पता था, क्योंकि पहली बार मैंने मेंस दिया था तो मैं एनालिसिस नहीं कर पा रहा था कि कितने मार्क्स आ जाते हैं RPSC में। तो ये था कि अच्छे पेपर में अच्छे मार्क्स होंगे, हमें अब इंटरव्यू पे फोकस करना है, तो ग्रुप स्टडीज के माध्यम से, मॉक्स इंटरव्यूज वगैरह, इनके माध्यम से एक अच्छी इंटरव्यू के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी तैयार करके अपना इंटरव्यू सबसे अच्छा हो या अपनी तरफ से एक बेहतर इंटरव्यू दें, उसके लिए हम तैयार करना प्रारंभ कर देते हैं। इंटरव्यू के अंदर में जो आपने तैयारी करी, तो आपने मॉक प्रैक्टिस वगैरह भी किया, आपका अनुभव चाणक्य में कैसा रहा आपका इंटरव्यू के दौरान? चाणक्य में मैंने मॉक इंटरव्यू दिया जो मार्च में जब इंटरव्यू है, तो उससे पहले मुझे देने का मौका मिला। ललित सर का पैनल था, मुझे उस समय मेरा जो उद्देश्य था, कुछ क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में कि यदि मेरे जो RPSC के इंटरव्यू में ऐसी स्थिति बन जाती है तो मैं वहां कैसे फोकस करूंगा। उससे पहले मैंने काफी मॉक दिए हुए थे तो मेरी नॉलेज वगैरह का और इनका मुझे या जो भी आवश्यक चीजें होती है वो मुझे जानकारी में थी। कुछ क्वेश्चंस थे वो मुझे क्लेरिफाई करने थे, मैंने मॉक दिया, मेरा मॉक अच्छा हुआ ललित सर के पैनल में। उन्होंने मेरी एक तरह से मुझे उन्होंने अच्छा भविष्य दिखाने के लिए उन्होंने मुझे कहा भी सही कि आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस थे मेरे कि ऐसी कोई बहस की स्थिति बन जाए पैनल के साथ में तो वहाँ किस तरह से पैनल से हमें उस बहस की स्थिति से बाहर निकलना है, एक आध चीजें और थी, तो ये वहां से मुझे हेल्प मिली। डॉक्टर ललित पावर पनवार तो आप जानते ही हैं कि वो तो RPSC के कुछ चेयरमैन रहे और हमारे बोर्ड के भी चेयरमैन है, तो नेचुरली एक अनुभव है उनका और क्या चाहिए और रिलेवेंट इसी हिसाब से आप सबको गाइड भी करते हैं। बिल्कुल। आप इंटरव्यू के अंदर जो कुछ खास सिचुएशन जो आपके रही हो उसके बारे में थोड़ा बताइए, किसका बोर्ड था आपका उसमें? सर, मेरा रामू रायका जी का बोर्ड था और अदर एक्सपर्ट्स थे जिन्हें उन्हें तो मैं नहीं जानता, रामू रायका जी का बोर्ड था।
बोर्ड का व्यवहार अच्छा था और जाते ही सामान्य जानकारी के उपरांत मेरे हॉबी पे सबसे पहले प्रश्न आया। जो हॉबी वहाँ पर लिखवाते हैं, तो पहला प्रश्न यही था कि आपकी हॉबी हमें समझाइए क्या है। हॉबी मेरी थी रीयूज हाउस होल्ड कॉमन आइटम्स, तो मुझे मौका था, मिला था कि मुझे समझाने का, और मुझे ये पता था कि ये पूछ लेंगे, तो उसी हिसाब से आप टाइटल चूज कीजिए आपकी हॉबी का। हॉबी का टाइटल ऐसा हो कि कम से कम एक दो प्रश्न वहां से निकले ही निकले। तो जब आप अच्छा टाइटल चुनते हैं तो वहां से प्रश्न निकलता ही निकलता है। दो तीन प्रश्न वहां से होने के बाद स्क्रैप पॉलिसी पे वो चले गए। स्क्रैप पॉलिसी से मैंने एक अच्छा जवाब दिया, उस समय करंट इश्यूज भी था, वो करंट में भी था, गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई थी। उसके बाद जनरली जो क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, कोविड से संबंधित, डिजिटल एजुकेशन से संबंधित, उसके बाद एक अदर एक्सपर्ट्स थे उनके द्वारा मेरा जो इंडस्ट्रीज, जो मेरा डिपार्टमेंट था उससे रिलेटेड मेरा प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चनिंग हुई। वहाँ पर थोड़ी टॉक हुई हमारी, कम से कम 4-5 क्रॉस क्वेश्चंस भी हुए। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट द्वारा 2-3 क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस पूछे गए। तो जनरल एक एवरेज, या मेरी तरफ से एक एवरेज इंटरव्यू हुआ था जहाँ सब कुछ अच्छा था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितने नंबर आए आपके इंटरव्यू में? सर मेरे 68 नंबर हैं। बहुत अच्छा नंबर है, आउट ऑफ 168 एक अच्छा नंबर आपने लिए हैं। विकास से ये बताइए कि अब आप तो ऑफिसर बन गए हैं, आपको जा रहे हैं जी सर, थैंक यू। ऑलरेडी आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, तो एक कुछ बेसिक इंस्पिरेशंस होते हैं कि हम जब जा रहे हैं सर्विसेज में तो ये सब बदलाव या यहाँ कंट्रीब्यूशन हम करना चाहेंगे, तो आपके मन में ऐसी क्या चल रही है आजकल? यही रहता है कि हम अभी तो एक ऑफिस के अंदर हम जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ हमारी जिम्मेदारियाँ थोड़ी सीमित होती है, और अब जब जाएंगे तो चैलेंजेस भी हमारे सामने काफ़ी होंगे। उन्हें चैलेंजेस को हमें लेना भी है, और एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते जनता की सेवा करते हुए या समाज के विकास में योगदान देते हुए हमें जो नीतियां हैं सरकार की उन्हें भी हमें फॉलो करना है। तो ये दिमाग में एक कशमकश चलती रहती है कि हम किस तरह मैनेज करना है, हमें किस तरह, हम अभी ये कर रहे हैं वहाँ हम कैसे मैनेज करेंगे, तो इस तरह की दिमाग में चलती रहती है क्रिया। वेरी गुड, अच्छी है कि कम से कम आपकी अब ये नहीं कि खाली आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि आप जॉब के बारे में आपने अब सोचना शुरू कर दिया कि बीमारियां आने जा रही है उसमें मैं कैसे परफॉर्म बेटर करता हूँ। पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप एक बहुत शानदार ऑफिसर के रूप में इमर्ज करें, और सक्सेस स्पीक्स प्रोग्राम में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपके अनुभव से आने वाले स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.